अस्सलाम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। आज मैंने बनाई है ड्राइंग, मस्जिदुल नबी की ड्राइंग। मेरी सिस्टर भी साथ है, मैं हम ही कहूँगा। आपको मैं बता देता हूँ पहले कि किस किस चीज़ों की ज़रूरत है। आपको नज़र आ रहा होगा करियॉन कलर, कौन सा कलर लेना है, मार्कर लेना है, पेंसिल लेना है, करियॉन लेने। और एक रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब करें और आपने मेरी वीडियो एंड तक देखनी है और सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हर वीडियो आने वाली वो जो आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आपको पता लगे कि मेरी कितनी वीडियोस हैं, कितने कमेंट्स हैं, ताकि आप भी मेरी जैसी वीडियो बनाए देख के। और अब मैंने कर दी अपनी ड्राइंग शुरू। और आपको मैंने एक चीज़ बतानी थी, मैंने 12 रिव्यू लेवल को ही कार्ड बनाया था। 12 रिव्यू लेवल को नेट बिल्कुल भी नहीं आ रहा था, फिर मैंने बाद में अपलोड की थी। मैंने पेपर टेप लगा लिया। पेपर टेप इसलिए चाहिए होती है क्योंकि जब आपकी ड्राइंग कंप्लीट हो जाए इसे उतारते हैं, फिर ऐसे लगता है जैसे आपने खुद खुद नहीं बनाई हुई, जैसे प्रिंट करवाया आपने, ऐसे लगता है। पेपर टेप का मैं बता देता हूँ क्या फ़ायदा होता है। पेपर टेप का ये फ़ायदा होता है कि जब आप इसे उतारते हैं ऐसे लगता है बहुत बहुत ब्राइट है, वरना ऐसे नहीं लग रहा होता, जैसे ऐसे लग रहा होता है जैसे किसी ने ऐसी कलर कर दिया पता नहीं ऐसे। आपको पेपर टेप की अशद ज़रूरत होगी और मैंने पेंसिल की ज़रूरत होगी। और मैंने मस्जिद नबी बनाना शुरू कर दिया। इसका गेट नहीं बनाना आपने, बस स्ट्रेट स्ट्रेट मस्जिद नबी का वो बनाना है बाहर से, फिर अंदर स्ट्रेट स्ट्रेट लाइनें डाल देनी है, फिर नीचे भी लाइनें डालनी है ताकि उसकी ईंटें जो है वो अच्छे तरीके से बन जाए। इसके अंदर कलर आप ग्रीन ही सिर्फ करते हैं। और आपको परमानेंट मार्कर की बहुत 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 ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि साइडों पे आउटलाइन तो देनी पड़ती है। नीचे ऐसे ही लाइनें डालने हैं कुछ। ये तो चलती रहेगी ड्राइंग, साथ साथ मैं एक और नाद सुना देता हूँ। मैंने सोचा कि नाद भी सुना देता हूँ एक और। हस्बी रब्बी जल्लल्ला अल्लाहु अल्लाह, माफी कल्बी गैरुल्ला अल्लाहु अल्लाह, नूरे मोहम्मद सल्लल्ला अल्लाहु अल्लाह। नाद मुझे इतनी सी आती थी तो मैंने आपको सुना दी। मैंने तो कलरिंग करना शुरू कर दिया। मेरी बहन तो बहुत बहुत स्लो रह गई है। और मैंने घर में 12 रिव्यू लेवल को बहुत चीज़ें खाई थी, कोरमा, जर्दा, ऐसी चीज़ें हमने इस तरह से सेलिब्रेट की है। लोग बाहर जाके भी करते हैं ऐसे ऐसे। इसको आउटलाइन देनी है, आउटलाइन देने से देखें ब्राइटनेस तो बहुत आ गई है। साइड पे जो पिलर बना हुआ है उसके अंदर ब्लैक कलर करना है ताकि अच्छा लगे। ऐसे ही करना है सेम टू सेम, वरना अगर आप कोई और ट्राई करना चाहेंगे तो ख़राब हो जाएगा सारा।
बस खत्म ही होने वाली है ड्राइंग। इसके अंदर बस ग्रीन कलर करेंगे, फिर हमारी ड्राइंग हो जाएगी रेडी। और एक अहम बात तो मैं बताना भूल ही गया, कलर करने के बाद शेडिंग करनी पड़ेगी इसके अंदर, फिर तो आप देखिएगा कैसी बनेगी, आप देखते रह जाएंगे कैसी बनेगी। टिश्यू से ही सेटिंग करेंगे और किसी चीज़ के नहीं करेंगे। तो पहले मैंने सोचा था कि मैं खाना कबाब ही बना लूँ और अच्छा लगेगा, लेकिन खाना कबाब मुझसे सही नहीं बना था। फिर मैंने कहा मैं छोड़ ही दूँ, खाना कबाब सही नहीं बना था, मैंने कहा मैं छोड़ ही दूँ। कलरिंग शुरू कर रहा हूँ मैं। मेरे पास स्केल नहीं था तो मैंने कहा ऐसे पूरी ड्राइंग ही ख़राब हो जाए, मैंने पेपर का स्केल बना लिया। आपके पास स्केल हो तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। कलरिंग करना शुरू कर दिया मैंने। आपने बस एक ध्यान रखना है कि बाहर ना जाए कलर, और आपने एक उसका इस्तेमाल करना है, कोई भी सर्कल सी चीज़ हो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप। तो मैंने किया था टेप का इस्तेमाल, और इसके साइडों पे करना है येलो कलर, अब करना है रेड कलर। रेड कलर आपने इतना ज़्यादा नहीं करना, सबसे ज़्यादा होगा पर्पल कलर होगा, पर्पल कलर होगा। रेड कलर कर लिया है, पर्पल कलर मैंने शुरू कर दिया है, पर्पल कलर मैंने शुरू कर दिया है। मेरी बहन पीछे रह गई, उसने तो गलत कर दिया, उसने पिंक कर दिया पकड़ गया। अब ग्रीन कर रही है वो। शेडिंग करना शुरू कर दी है, इसके अंदर भी ग्रीन कलर कर लिया है अच्छे तरीके से। शेडिंग करना शुरू कर दिया है, ये टिश्यू से करनी है शेडिंग और किसी चीज़ से करनी, फिर वो शेड नहीं आ पाएगा जो हम दे रहे हैं। कमेंट बॉक्स में बताएं कैसी लगी मेरी ड्राइंग। और ये पेपर टेप उतारनी है, आराम से आराम से आराम से उतारनी है, ताकि कोई भी वो जो पेपर है ना साइडों पे उतर ना पाए। साइड से भी उतारनी है, अच्छे तरीके से उतारनी है। मेरी तो हो गई रेडी। कमेंट बॉक्स में आपने ज़रूर बताना है कि कैसी लगी मेरी वीडियो। दोनों की हो गई है तैयार, लेकिन उसकी अभी रहती है थोड़ी, उधर से रहती है और आगे से रहती है। यहाँ से उतर गई है और अब उधर से उतारनी है। उधर से भी उतारना है अब। ओ हो गई रेडी। कैसी लगी मेरी वीडियो, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना मत भूलना। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।